नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे थे। ये आपके IAS PCS प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग 38 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 39वां टेस्ट है। तो चलिए 39वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत स्वर्ण जमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? भारत के निवासी, संयुक्त हिंदू परिवार, सेबी के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड, धर्मार्थ संस्थाएं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयां। ये पांचों इसके पात्र हैं। क्या है? पांचों इसके पात्र हैं। और आपको याद रखना है कि जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना आपकी 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बैंक की जिम्मेदारियां हैं? MFI इकाइयों का पंजीकरण सही है, MFI इकाइयों का विनियमन गलत है, MFI इकाइयों का प्रमाणन ये भी आपका सही है। इसमें आपका एक और तीन सही है, दूसरा आपका गलत है। सरकार ने वैधानिक अधिनियम के माध्यम से एक माइक्रो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा बैंक की स्थापना की थी। यह सभी वित्त संस्थानों जो विनिर्माण व्यापार एवं सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न हैं के माध्यम से विनिमय एवं पुनर्वित्त हेतु उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बॉन्ड को केवल निवासी भारतीय संस्थाओं को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, सही है। बॉन्ड का उपयोग ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में नहीं किया जा सकता है, यह आपका गलत है। बॉन्ड को एक्सचेंजों पर बेचा एवं उनका व्यापार किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीन में आपका एक और तीन कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। जो आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी, कब की गई थी? नवंबर 2015 में। बॉन्ड का उपयोग ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है, RBI द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले साधारण गोल्ड लोन के समान लोन टू वैल्यू अनुपात निर्धारित किया जाना है। तो इसमें आपका एक और तीन सही था, एक तीन कथन सही था। क्वेश्चन हमारा चार, क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें 1 लाख तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु 18 से 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। सॉरी, यहाँ ओवरड्राफ्ट इसका 10,000 होगा, ना कि 1 लाख, 1 0 इसमें ज़्यादा हो गया, 10,000 तक, जैसा कि आपको पता होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सेवाओं द्वारा सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत गरीबों के लिए बैंक खाता खोलना, उन्हें भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन प्रदान करना तथा उन्हें स्वयं ऋण एवं बीमा प्राप्त करने की स्थिति में रखना शामिल है। PMJJY योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि पर ब्याज मिलेगा, 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा बीमा कवर मिलेगा, किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। इसमें योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। 6 माह तक इन खातों की संतोषजनक
परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुँच होगी इसके तहत। मौजूदा ओवरड्राफ्ट की सीमा इसका 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी। पहले 5,000 थी, इसके बाद 10,000 कर दी। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को 18 से 60 वर्ष थी पहले, अब बढ़ाकर कर दी 18 से 65। कितनी? 18 से 65। पहले कितनी थी? 18 से 60, और अब 10,000 तक ओवरड्राफ्ट सुविधा कर दी गई। कितनी कर दी गई है? 10,000। ठीक है, पहले 5,000 थी। ये आपकी शुरू की गई थी, पता है आपको? इस योजना की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, और इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, तो याद रखना है कि आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका 5वां, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला MOOC संबंधित है। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला MOOC संबंधित है, वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम से। इसे कहते हैं हम लोग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसका पूरा नाम क्या है MOOC का? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। क्वेश्चन है हमारा अगला 6वां, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंटरबैंक जमा जो एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में रखता है को धन की आपूर्ति का हिस्सा माना जाता है। गलत है। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों में M1 को अधिक तरल और M4 को न्यूनतम तरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका एक कथन गलत है, दूसरा सही है। इंटरबैंक जमा जो एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंक में रखता है को धन की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है। धन की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है, याद रखना। ठीक है, दूसरा कथन आपका सही था। भारतीय मुद्रा आपूर्ति के उपायों को M0 के साथ 4 श्रेणियों में M1, M2, M3 और M4 में वर्गीकृत किया गया। यह वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आपका M1 और M2 को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है और M3 और M4 को उदार मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका दूसरा कथन केवल सही था। क्वेश्चन है हमारा 7वां, क्या है? आंतरिक लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आंतरिक लोकपाल तंत्र की स्थापना बैंकों की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकों की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से की गई थी। गलत है। भारत में 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने बैंक में आंतरिक लोकपाल की को नियुक्त करना आवश्यक है। सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक गलत है कथन और 2 और 3 सही है। क्या है? 2 और 3 सही है। याद रखिए कि मई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र और चुनिंदा निजी एवं विदेशी बैंकों को आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने हेतु एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में आंतरिक लोकपाल
नियुक्त करने का परामर्श दिया था। आंतरिक लोकपाल तंत्र की स्थापना बैंकों की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने तथा ग्राहकों की शिकायतों को बैंक स्तर पर ही बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के उच्चतम स्तर पर स्थापित प्राधिकरण द्वारा निपटान के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका 2 और 3 कथन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 8 क्या है, क्वेश्चन 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करते हैं जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, सही है। कोई भी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है एक अनुसूचित बैंक माना जाता है, ये भी सही है। अनुसूचित बैंकों के रूप में आयता प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई पूंजी और बैंक की एकत्रित धनराशि 5 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका गलत है। क्या है, तीसरा कथन गलत है और 1 और 2 कथन आपका सही है। अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई पूंजी और बैंक द्वारा एकत्रित धनराशि 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। याद रखना है आपको, इस तरह की जो भी PDF होती हैं सभी टेलीग्राम पर डाल देते हैं, ठीक है, वहां से देखते रहना। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व का अधिकार है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, प्रायोजक बैंक के पास, तीनों के पास है। क्या है, तीनों के पास है। याद रखें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग और पर्याप्त वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्ष 1975 में नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की सिफारिश के आधार पर इनकी स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में प्रथम बैंक भारत में खुलने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। ठीक है, तो इसमें आपका 9वें में क्वेश्चन नंबर 9 में तीनों होंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 10 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि के लिए ऋण लेते हैं। उच्च रिपो दर, ये आपका सही है। उच्च रिपो दर पर अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आ सकती है, जबकि कम रिपो दर पर अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है, ये आपका गलत है। इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 10 में केवल 1 कथन सही है। ठीक है, दूसरे में उच्च रिपो दर का मतलब अल्पकालिक ऋण की लागत बहुत अधिक होना है। रिपो दर कम होने का मतलब अल्पकालिक ऋण की लागत कम होना है, जिसका अर्थ है कि उच्च रिपो दर पर अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है, जबकि कम रिपो दर पर अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका केवल 1 कथन सही था। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा भुगतान अथवा विनियमन के माध्यम के रूप में कार्य करती है, सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य की माप की सामान्य इकाई का अभाव होता है, ये भी आपका सही है। मुद्रा फोर विशिष्ट कार्य करती है, मूल्य की इकाई, विनिमय का एक माध्यम, विलंबित भुगतान का मानक, मूल्य का एक संग्रह। ठीक है, इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। 11 में 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन
सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 12। पार्टिसिपेटरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में जारी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। सही है। आरबीआई पार्टिसिपेटरी नोट्स नियंत्रित करता है। यह आपका गलत है। पार्टिसिपेटरी नोट्स धारक को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है, इसमें क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं। हर क्वेश्चन में आपको इस कथन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करिए। क्या पूछ रहा है? अगर पूछता है यहाँ कि सही है तो केवल एक सही था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, तो आपका 2 और 3 कथन सही नहीं है इसमें। आखिर सही क्या होगा इसमें? तो याद रखना है आपको, भारतीय संदर्भ में एक पार्टिसिपेटरी नोट PN या पी नोट भारतीय प्रतिभूतियों के खिलाफ सेबी के अंतर्गत पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में जारी व्युत्पन्न प्रपत्र है। भारतीय प्रतिभूतियों में इक्विटी, ऋण, डेरिवेटिव या एक सूचकांक शामिल हो सकते हैं। पीएन धारक पीएन द्वारा संदर्भित प्रतिभूति शेयरों के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, यानी मतदान का अधिकार नहीं है। तो बारे में आपका बी ऑप्शन सही था, 2 और 3 कथन सही था, सॉरी 2 और 3 कथन गलत था और 1 कथन आपका इसमें सही था। क्वेश्चन है आपका 13। लेफर बक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लेफर बक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह करारोपण की दरों और सरकार के व्यय के पारिणामिक स्तरों के बीच संबंध है। गलत है। कर की दर उस सीमा तक इष्टतम होती है जहां से सरकार का राजस्व कम होना शुरू हो जाए। ये आपका सही है। कर की उच्च दर का अवंचन को बढ़ावा देती है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका 1 कथन केवल गलत है और बाकी 2 और 3 सही है। 1974 में अर्थशास्त्री आर्थर लेफर द्वारा तैयार किया गया एक वक्र है। यह वक्र औसतन टैक्स की दर से कुल कर राजस्व को जोड़ता है। अर्थशास्त्र में लेफर वक्र कराधान की दरों और सरकार के राजस्व के पारिणामिक स्तर के बीच संबंधों का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो इसमें आपका 13 में 2 और 3 कथन सही होगा, बाकी पहला इसमें कथन गलत होगा। क्वेश्चन है हमारा 14। फ्रेया बहुराष्ट्रीय निगम अपने मुख्यालय निम्न कर वाले क्षेत्रों में स्थापित करते हैं, भले ही उनका अधिकांश कार्य संचालन उच्च कर वाले क्षेत्रों में हो। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टैक्स इनवर्जन। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है 15 क्वेश्चन? स्मर्फिंग पद संबंधित है आपका मनी लॉन्ड्रिंग से। किसे? मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। जब स्वामित्व की पहचान छिपाने के लिए कई बैंक खातों में कम मात्रा में पैसे जमा किए जाते हैं तो इसे स्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं या स्मर्फिंग कहते हैं। इस पद्धति का उपयोग व्यापक रूप से काले धन को वैध बनाने में किया जाता है। इसे करने वाले व्यक्ति के लिए धन खच्चर का पद का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 16। टॉबिन कर का उद्देश्य है, टॉबिन कर का उद्देश्य है विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ए ऑप्शन सही है। टॉबिन कर विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और अस्थिरता को अस्थिर करने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देनों के लिए प्रस्तावित कर है। 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टॉबिन ने इसे प्रस्तुत किया था।
चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला 17। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है आपको? विचार करना है। जीएसटी द्वारा बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट, वैट सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी सेवा कर, मनोरंजन कर को एकल कर द्वारा प्रतिस्थापित करना अपेक्षित है। सही है। जीएसटी किसानों पर लागू नहीं होता है। जीएसटी किसानों पर लागू नहीं होता, ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। लेकिन आपके दोनों कथन सही हैं, तो इसमें आपका होगा ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी कि डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला 18। क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में अपने लेन देनों पर कर अपवंचना तथा कर परिहार पर नियंत्रण की मांग करता है। सही है। यह सरकार को स्थानीय परिसंपत्तियों से जुड़ी विदेशी सौदे पर भविष्य लक्षी कर लगाने की अनुमति देता है। ये भी सही है। पहली बार इसे बजट 2017-18 में प्रस्तावित किया गया था। ये आपका गलत है। क्या है? तीसरा कथन गलत है। एक और दो सही है इसमें। गार, जिसे आप लोग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कहते हैं, इसकी अवधारणा आपकी वित्त मंत्री डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने बजट 2012-13 में पेश किया था। कब? बजट 2012-13 में, ना कि 17-18 में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है केवल। क्वेश्चन है हमारा 19। बाजार स्थिरीकरण स्थिरीकरण योजना बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन बॉन्डों के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग सरकार के व्यय के लिए नहीं किया जा सकता है। सही है। ये निधियां भारत की संचित निधि का हिस्सा है। ये आपका गलत है। ये अधिकांश कम अवधि वाले बॉन्ड होते हैं। ये आपका सही है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपने देखा है दूसरा कथन सही नहीं है। क्या है? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। 19 में बी ऑप्शन होगा। जो आपका MSS के तहत एकत्रित की गई राशि को सरकारी खातों में जमा नहीं किया जा सकता है, लेकिन RBI के साथ एक अलग नगद खाते में रखा जाता है। इसका उपयोग केवल इस योजनाओं के तहत जारी ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियों के शोधन, वापस खरीदने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन हमारा अगला 20 है। कौन सा क्वेश्चन है? 20। सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकारी प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मौद्रिक या ऋण नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है। सही है। इन बाजारों में संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति भी हिस्सा ले सकते हैं। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। देश के अंदर और देश के बाहर आबाद संचरण का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। सही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन सही है। संचरण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताओं में से एक है। याद रखना, 19(1) के तहत किसके?
19(1) के तहत, ठीक है, इसमें आपकी 19(1) के तहत आपकी नागरिकों को स्वतंत्रताएं जो मिली हैं उनमें शामिल है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र आवाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बसने या निवास करने का अधिकार, कोई वित्तीय व्यापार या कारोबार करने का अधिकार इसमें शामिल है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 22 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर के किनारों पर अवस्थित है, इसमें आपका अल्जीरिया है, मिस्र है, लीबिया है और मोरक्को है, इसमें आपके चारों सही है, क्या है, चारों सही है। 5 अफ्रीकी देश भूमध्य सागर के किनारे पर अवस्थित हैं, ट्यूनिशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र, जो आपका भूमध्य सागर जल का एक विशाल निकाय है, भूमध्य सागर जो आपका यूरोप में उत्तर, उत्तरी अफ्रीका दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में एशिया, आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया जो पूर्व में के बीच स्थित है, ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया से इसकी सीमा लगती है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, 22 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से किन्हें GI Tag का दर्जा दिया गया है, सिरसी सुपारी कर्नाटक की है, जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है, कंधमाल हल्दी उड़ीसा की है, इसमें आपके तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह संक्रमण से लड़ने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास और कार्यों कार्य में शामिल विभिन्न जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले दुर्लभ विकारों का एक समूह है, सही है, आमतौर पर बबल बॉय रोग के रूप में जाना जाने वाला यह रोग विशेष रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है, ये भी आपका सही है, यानी कि 24 में आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदिभूमियों के रूप में भारत में 27 रामसर साइट स्थल हैं, गलत है, भारत की 2 आदिभूमियां मॉन्टिक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हैं, ये आपका सही है। सबसे पहले आप याद रखिए कि आपका विश्व आदिभूमि दिवस है जो, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व में, 2 फरवरी को विश्व आदिभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो 2020 की इसकी थीम है आदिभूमि और जैव विविधता, ठीक है, याद रखना है आदिभूमि आपकी होती है रामसर अभी समय के तहत, आदिभूमियों की परिभाषा में आपके दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी एवं झीलें, मैंगो प्रवाल भीतियाँ, समुद्री क्षेत्र, बेसमुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे ना हो, मानव निर्मित आदिभूमियाँ जैसे आपके तालाब और जलाशय शामिल हैं आदिभूमियों में। याद रखना है कि 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में आदिभूमियों पर एक अभिसमय या सम्मेलन हुआ था, उसी में से अपनाया गया था, जैसा कि पता होगा आपको पहले आपकी 27 रामसर साइटें थी भारत में, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि रामसर अभिसमय ने देश को 10 और आदिभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित कर दिया है, तो अब कितनी हो गई टोटल, 37, ठीक है, तो पहले आपकी 27 थी, अब 37 हो गई, तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। तो चलिए ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IAS PCS प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, इसी तरह के हम लोग आगे भी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, ठीक है।